नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर में। आज हम एक नया विषय, बहुत ही बेहतरीन और सबकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम आयुर्वेद की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और हमारे साथ सबसे पहले इस सीरीज में आदरणीय गणेश वैद्य जी हैं और ये मध्य प्रदेश से हैं। आप सबकी तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। गणेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सादर नमस्कार। आज हम कौन से विषय पे बात कर रहे हैं? आज का विषय मोस्ट कॉमन विषय है जो प्राय हर मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवार में साधारण लोगों में भी है, एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी के विषय में बात करना जी 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 तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी मुख्य रूप से इसमें मानसिक कारणों की बात करें तो जो लोग अत्यधिक चिंता करते हैं, अत्यधिक क्रोध करते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, गर्म वातावरण में ज्यादा रहते हैं, उनको एसिडिटी की संभावना बहुत अधिक रहती है। और यदि खान पान आहार के विषय में यदि हम बात करें तो जो लोग मिर्च मसाले वाला तला हुआ भोजन, बिना भूख के भोजन और दिन भर कुछ ना कुछ तली नमकीन चीज खाते रहना, या कि फिर सबसे प्रमुख कारण जो लोगों को समझ में नहीं आता है, मीठी चीज और नमकीन चीज एक साथ खाना, वर्तमान जीवन पद्धति में एसिडिटी का प्रमुख कारण यही है। जैसे यदि हम किसी के घर जाते हैं या कि फिर हम मार्केट में घूम रहे हैं और हम चाय पीते हैं और चाय के साथ समोसा या भजिया मंगोड़े ऐसी कोई भी चीज हम साथ में जरूर खाते हैं, तो ये वर्तमान मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवार में ये प्रमुख बात है कि मीठी चीज के साथ आप नमकीन चीज का सेवन कर रहे हो और इसके कारण को आप कभी पता नहीं कर पाते हो और जीवन भर दवाइयां खाते रहते हो, क्योंकि मूल कारण जहां की तहां है। तो मूल कारण को दूर कर लेना ही एसिडिटी का निवारण है, दवाइयां लगातार खाने से कोई लाभ नहीं होता। और जो जिन लोगों को पनीर की सब्जी, मसालेदार सब्जियां, मार्केट का भोजन, चटपटा भोजन, तीखा भोजन बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये भी एसिडिटी उत्पन्न करता है। एक बार भोजन करने के बाद में फिर एक दो घंटे बाद कुछ नाश्ता कर लेना और नाश्ता प्राय तला हुआ रहता है, ये एसिडिटी को उत्पन्न करता है। और एक बहुत ही विशेष, पता नहीं लोगों को कैसी आदत पड़ गई, कुछ लोग दूध के साथ नमकीन चीज का सेवन करते हैं जी। साथ करते हो गया कि आगे पीछे भी नहीं करना है ना साथ में करना है। कई लोग दूध पीते हैं और दूध के पहले या दूध के बाद में थोड़ी सी नमकीन खा लेंगे या नमकीन जैसी कोई चीज खा लेंगे, सलोनी खा लेंगे, तो ऐसे में एसिडिटी होना बिल्कुल साधारण सी बात है। तो एसिडिटी के मूल लक्षण को आप स्वयं पहचानिए, प्रत्येक व्यक्ति के लक्षण अलग अलग कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, आपको अपने लक्षण खुद देखना है कि मुझे एसिडिटी किस कारण से हो रही है। और इसमें एक विशेष बात मैं बता दूं, जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो मुख्य रूप से स्वाद के गुलाम होते हैं, उनको चटपटी चीजें आदि, मसालेदार चीजें आदि खाना बहुत पसंद रहता है। तो यदि वो दवाई खाते हैं, 8-10 दिन में दवाई खाने से एसिडिटी में आराम हो जाता है और फिर एसिडिटी में आराम हुआ और फिर वो अपनी व्यर्थ की दिनचर्या की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर से मिर्च मसाले भजिया समोसा खाने लग जाते हैं, जिससे एसिडिटी फिर से चालू हो जाती है। तो इस कारण को भी त्यागना होगा। एसिडिटी के प्रमुख लक्षण जो है, मुंह में खट्टा पानी आना, ऐसा लगता है कि मुंह में पानी भरा हुआ है, खट्टापन भरा हुआ है, बार बार गले में जलन होना, गले से लेकर सीने तक जलन होना, हार्ट के एरिया में, गले से लेकर हार्ट के एरिया में जलन होना, पेट में गैस बहुत बनना, ये प्रमुख कारण है। और इसमें यदि वात कुपित हो जाती है तो हाथ पैर अंग आदि फड़कना, ये एक कारण होता है, सिर दर्द होना, और लंबे समय तक एसिडिटी हो तो शायद माइग्रेन होने की संभावना रहती है, आंखों में दर्द होना, आंखों में गर्मी लगना। और जिन लोगों को अपान वायु ज्यादा रहती है तो अपान वायु भी गर्म निकलती है, बदबूदार निकलती है, और अपान वायु वाले क्षेत्र में भी आपको जलन हो सकती है गुहा द्वार में। तो ये एसिडिटी के कुछ लक्षण है, इन लक्षणों को हमको स्वयं पहचानना पड़ेगा। कारण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं विभिन्न लोगों में और लक्षण भी भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। तो इस एसिडिटी को अब ठीक करना है,
एसिडिटी को ठीक करने के लिए सबसे प्रमुख बात ये है कि जब आपने कारण पहचान लिए तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए। एसिडिटी को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि प्रातः काल जो आप उठते हैं 5 या 6 बजे और उठने के बाद में दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो गए, हाथ मुंह धोना नहाना आदि, उसके बाद आपका पहला आहार मीठा होना चाहिए या हल्का सा कड़वा होना चाहिए, जैसे आंवले का रस, गिलोय का रस, या कि फिर लौकी की सब्जी रोटी, या कि फिर खीर, मीठी खीर, सेवई, इस तरह का कोई मीठा आहार लेने से प्रातः काल का जो पित्त है वो शांत हो जाता है। प्रातः काल जो लोग दूध पीते हैं और दूध पीने के आगे पीछे वो कोई नमकीन चीज जैसे आटे में नमक डाला हुआ पराठा या ऐसी कोई भी नमकीन चीज खाते हैं, या आपने पहले दूध पी लिया और बाद में एक आध घंटे बाद सब्जी रोटी खा ली, तो ऐसे लोगों को एसिडिटी जरूर होती है। तो अपनी दिनचर्या को स्वयं देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और इस दिनचर्या को देख के आप आधी समस्या तो स्वयं दूर कर लेंगे। जड़ी बूटी या वनस्पति औषधि के माध्यम से अगर दूर करना है तो आंवले का रस और गिलोय का रस और एलोवेरा का रस, ताजा एलोवेरा का गूदा, एलोवेरा का पौधा यदि घर में लगा हुआ है तो ताजा एलोवेरा का गूदा बहुत लाभकारी होता है इस मामले में। और इस एलोवेरा की हम एक बड़ी पत्ती को काट लें और कांच के ग्लास में इसको रख दें, इसमें से कुछ गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य निकलेगा, उसको निकलने दीजिए। आज एलोवेरा की पत्ती काटेंगे तो कल से इसका 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़ा चम्मच गूदा अंदर से निकाल के खाना है, और इसको सादे पानी में भी घोल के खा सकते हैं, शहद के साथ मिला के खा सकते हैं, जैसी आपकी रुचि हो, क्योंकि एलोवेरा थोड़ा सा कड़वा होता है। एलोवेरा का लगातार सेवन 1 महीने 2 महीने यह पूरी तरह एसिडिटी को गायब कर देगा। और इसमें जो कुछ घरेलू औषधियां हैं जिनके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, जैसे मुलेठी प्रायः हर घर में रखी रहती है खांसी दूर करने के लिए, तो मुलेठी चूर्ण का हम सेवन कर सकते हैं। शक्कर की जगह मिश्री का प्रयोग करना आरंभ कर दीजिए और बाजार वाले नमक की जगह सेना नमक का प्रयोग करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि सेना नमक पेट को ठंडक देता है और शरीर के लिए ये पौष्टिक होता है, शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो ऐसी चीजों के प्रभाव से दिनचर्या को ठीक करने से, कुछ वनस्पति औषधियों को लेने से ये बिल्कुल आराम से ठीक हो जाती है और लंबे समय तक ये प्रभावशाली नहीं रहती, 1 या 2 माह के प्रयोग से ये दूर हो जाती है। यदि एसिडिटी लंबे समय तक रहेगी तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है अल्सर का हो जाना, पेट में आंतों में किसी तरह ड्यूओडेनम अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरह का हो जाना, और ये फिर समस्या थोड़ा गंभीर होने लग जाती है। इसमें विशेषज्ञ की सलाह लेना ज्यादा उचित रहेगा और इन चीजों के लिए बेहतर होगा कि हम पेट को अत्यधिक भार न दें। जिन कारणों से हुआ है, मसालेदार चीजें, तीखी चीजें, मिर्च ज्यादा खाना, उन कारणों को त्याग दें। दिन भर नमकीन या समोसे या चाय कॉफी पीना, इस चीज को त्याग दें। परवल की सब्जी, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी इस मामले में बहुत लाभकारी होगी। भाजी के रूप में बथुआ की भाजी या मूली के पत्तों की भाजी बहुत लाभकारी होती है। और खीर का सेवन यदि दिन में 2-3 बार कर सके, यदि शुगर के मरीज नहीं हो, खीर का सेवन आराम से करिए, बहुत लाभकारी होगी। खाली पेट प्रातः काल 1 बड़ा चम्मच घी लेना, यह भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह घी पित्त को शांत करता है और पेट के अंदर के यदि किसी तरह के घाव हो गए हैं तो इनको भरता है और आंतों को चिकनापन लाता है, जिससे हमारा प्रातःकाल मल त्याग भी बहुत अच्छा होता है। रात को भोजन के 2 घंटे बाद 1 गिलास या 1 कप दूध जितना आप पचा पाए उसमें आप 5 ग्राम या 10 ग्राम आधा चम्मच या 1 बड़ा चम्मच घी डाल के पी सकते हैं। इससे प्रातःकाल मल शुद्धि बहुत अच्छी होती है और एसिडिटी की समस्या भी निजात होती है। घरेलू जो रसोई के पदार्थ है, सौंफ हो गई, इलायची हो गई, धनिया हो गया, इनका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इससे एसिडिटी बिल्कुल आराम से नियंत्रण हो जाती है और धीरे धीरे दूर हो जाती है। आयुर्वेद में इस संबंध में बहुत सारी औषधियां हैं,
जिसके माध्यम से आप अपने आसपास के किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके नाड़ी दिखाकर लक्षण बताकर सेवन कर सकते हैं। यह वीडियो केवल आपके सामान्य ज्ञान, कारण और निवारण के सुझाव के लिए है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में बेहतर होगा कि अपने आसपास की स्थित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आपने लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम किसी की कुछ पर्सनली तो चेक कर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक सुझाव टाइप का एक ये जानकारी दे रहे हैं ताकि कोई अपनी जीवन पद्धति सबसे पहले ठीक करे। रोग के मुख्य कारण को ठीक करने के बाद अगर वो इलाज की तरफ जाता है तो उसको लाभ ज्यादा होगा, उसको दुगनी ये औषधि दुगना प्रभाव दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आहार को नियंत्रण कर लिया गया तो आधा रोग तो वैसे ही हर कोई रोग, कोई सा भी रोग हो, लंघन करना, लंघन करना मतलब कारणों को त्याग देना, उपवास करना, व्रत करना, तो ऐसी चीजों से बुखार, सर्दी, जुकाम और अन्य जो रोग होते हैं हाथ पैर अंदर, ये लंघन के माध्यम से आधे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इन कारणों को देखिए, जानिए, समझिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करिए। चलिए, बहुत अच्छे वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके साथ एक बहुत ही जल्दी, मैं चाहूंगा एक दो दिनों में हम नया वीडियो और बनाएं और दर्शकों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य धन के से भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि धन अगर है और स्वास्थ्य नहीं है तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो जितना धन चाहिए उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन दर्शकों को मिलता रहा, इसी आग्रह के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।